बहन देख, इस बार के रक्षाबंधन पे मैं तेरे लिए पूरे 10 लाख रुपए का डायमंड का नेकलेस लेके आया हूँ। और ये देख, पूरे 2 लाख रुपए कैश। थैंक यू भैया। अरे आगे तू दूर हट के खड़ा हुआ कर मुझसे, कितनी स्मेल आ रही है तेरे अंदर से। अरे भैया आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, छोटा भाई तो है वो हमारा। अरे छोटा भाई तो है पर देखिए उसकी हालत क्या हो गया। अगर मैं इसको कहीं अपने क्लाइंटों के पास ले गया ना भूल के भी, तो सारी डील ना मेरी कैंसिल हो जाएंगी तुरंत। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो सब छोड़, क्या लाए हो भैया जी अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन वाले दिन, दिखाओ। नहीं मैं इस बार कुछ नहीं ला पाया दीदी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ नहीं लेके आए हो। अरे हो कैसे नहीं सकता बहन, नहीं लेके आया वो उसकी हालत देखो, भूखा नंगा सा तो खुद लग रहा है, कहाँ से लेके आएगा वो कुछ। अरे भैया एक मिनट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रक्षाबंधन का पर्व और लखन मेरे लिए कुछ लेके ना आया हो। अरे भीख नहीं दी होगी लोगों ने तो नहीं हो पाया होगा इस बार पैसा। आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं लखन, तुम कुछ पीछे छुपा रहे हो ना। नहीं दीदी कुछ भी नहीं है सच में, मुझे तो दिख रहा है पीछे कुछ। हाँ हाँ छुपा रहा है ना अपने खाली हाथ, दिखाओ दोनों हाथ आगे करो, दिखाओ तो सही। दीदी बस ये लेकर आया था चांदी के कुंडल। अरे समझ गया मैं समझ गया, अभी थोड़े दिन पहले मेला लगा था ना सावन का, उसी में से ये 10-15 रुपए वाले इयर रिंग्स उठा लाया तेरे लिए। भैया ये तो सच में बहुत सुंदर है, मतलब चांदी के हैं पर फिर भी लग नहीं रहा कि ये चांदी के हैं। मैं ना डेली में अभी इन्हीं को पहनूंगी। मेरा तेरा दिमाग खराब है क्या, ये क्या बोल रही तू। यहाँ पर मैं 10 लाख रुपए का नेकलेस लेके आया हूँ तेरे लिए और तू क्या बोल रही है तू 2 कौड़ी की कुंडल पहनेगी। भैया आप किस तरीके से बात कर रहे हो, 2 कौड़ी ये सब क्या लगा रखा है आपने। छोटा भाई है वो हमारा, और माना कि आपके ऐसी उसकी हैसियत नहीं है, पर उसकी जितनी हैसियत है ना उससे वो ज्यादा ही लेके आया है। और फिर क्या हो गया, चांदी की हो या फिर डायमंड की हो या फिर गोल्ड की हो, प्यार मैटर करता है। और ये सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं, लग भी नहीं रहा कि ये चांदी के हैं। तूने अपनी पूरी सैलरी इसी में लगा दी क्या। हाँ दीदी। अच्छा वो ये मेले में तो उठा के इयररिंग्स ले आया है तो उससे पूछ रही तूने अपनी पूरी सैलरी लगा दी। मैं इतने रुपए का सामान लेके आया हूँ उसकी कोई कदर नहीं है तुझे। हाँ मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम फालतू में इतनी चीजें लेके जा रहे हो। मत लेके आते ना भैया, मैंने तो आपसे मांगा भी नहीं था, मैंने तो हमेशा आपको ये बोला कि सिर्फ आप राखी बंधवाने आ जाओ, क्योंकि भाभी तो चाहती नहीं है कि मैं राखी बांधने घर पे आऊं, क्योंकि हमेशा से ही ना उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि इन तीनों बहन भाइयों को अलग करना, और वही तो उन्होंने कर दिया। देखो ना आज हमारे छोटे भाई के लिए आपके दिल में कितनी घृणा है, कितनी नफरत है। मेघा तुझे नहीं पता है ये अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ा था ना जिस स्कूल में ये पढ़ा था, उसके बाद भी मैं इतना बड़ा आदमी बन गया और ये सड़क छाप रह गया। आपको पता है आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, पापा ने वसीयत में ना तो आपका नाम लिखा था ना ही मेरा नाम लिखा था, सिर्फ और सिर्फ लखन का लिखा था। और उसके बावजूद ना लखन ने सारी प्रॉपर्टी ना दोबारा से वसीयत चेंज करवा के ना आपके नाम करवाई। आज आप जिस पैसे पे ऐश कर रहे हैं ना वो आपकी खुद की कोई देन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पापा की देन है। और आपने ना बस उसी बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, तो आप जिस चीज पे फूल रहे हो ना तो पहले देख तो लो कि वो आखिर में आपकी है भी कि नहीं है। आपकी वजह से वो ऐसा रहता है क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं अपने छोटे भाई को यहाँ से सपोर्ट कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सपोर्ट करूंगी ना तो मेरे मायके वालों को लगेगा कि छोटा भाई बिल्कुल ही बेरोजगार है, उसकी इज्जत नहीं रहेगी। और उन लोगों की क्या ही मैं बात करूँ, यहाँ तो मेरा खुद का भाई बेइज्जती कर रहा है मेरे छोटे भाई की। आपने कभी उसको छोटा भाई नहीं माना, और आप ये चांदी की इयररिंग से इन डायमंड के हार को तोड़ रहे हो ना। भैया आप भले ही डायमंड लेके आए हैं, बहुत महंगा होगा ये, लेकिन इसमें ना आपका प्यार नहीं दिख रहा, सिर्फ दिखावा दिख रहा है। और ये चांदी की इयररिंग्स मालूम है मुझे 5-6 हज़ार के होंगे, से ज्यादा के नहीं होंगे, लेकिन इसमें ना लखन का प्यार दिख रहा है। और आप बात करते हो ना भैया प्यार की, कौन सा प्यार, जब मैं आपको कॉल करती हूँ ना तो आप फोन भी नहीं उठाते हो, सिर्फ रक्षाबंधन पे ही आपको मेरी याद आती है, क्योंकि आपके ससुराल में आपको ताने जो पड़ेंगे और फिर आपको दिखावा भी तो करना है ना आकर। और ये मेरा गरीब भाई, ये ना मुझे रोज कॉल करता है, रोज कॉल करके ना मेरे हालचाल पूछता है कि बहन तू ठीक तो है ना। बात करते हो आप मुझसे यहाँ पर प्यार की, मुझे आपको कोई राखी नहीं बांधनी है, आप जाइए यहाँ से। ठीक है जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद ना कभी मैं तेरे घर की तरफ आऊंगा भी नहीं। रुकिए भैया आप शायद अपना कीमती सामान भूलते हुए जा रहे हैं, इसे भी ले। दीदी
दीदी ये सब क्या हो रहा है? जाने दो लखन, ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है जिनके अंदर पैसा मैटर करता हो। और वैसे भी आज रक्षाबंधन है ना, चलो हम तो हार बनाते हैं। आओ बैठो 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 बैठो, मैंने तुम्हारे लिए ना पता तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है, पहले हम लोग राखी बांध लेते हैं।